इन तस्वीरों च सड़क ते शेरवानी पाई खड़ा दूल्हा। दरअसल दिल्ली तो चंडीगढ़ तो आया सी खुशी खुशी विआह रचाउण, पर इस तो पहला ही बरातियां तो स्वागत शानदार हुंदा कि पुलिस ने नाके ते ही इन्हां दा अपने तरीके नाल स्वागत कर दिता। जी हाँ, दूल्हे दा रिबन कट्टन तो पहला ही चलान कर दिता गया। दरअसल दिल्ली निवासी इस विपन नामक नौजवान का विआह सैक्टर 52 की एक रहन वाली कुड़ी नाल तय होया सी। इस तो पहला भी करोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के चलदियां इस नौजवान के विआह का समा 3 बार रद्द हो चुकया, पर इत्थे आन की परमिशन ना मिलन के कारण उसका विआह टलदा गया। एक स्विफ्ट च दूल्हे सहित 4 अते एक मिनी बस च 15 लोग दिल्ली तो मोहाली आए सन, जिन्हां ने सैक्टर 42 कम्यूनिटी सेंटर जाना सी, पर उस तो पहला ही पुलिस ने इन्हां दा चलान कर दिता। करोना महामारी तो लोगों को बचाने लिए बेशक सरकार वालों काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिदे खास तौर पर लोगों को मास्क पहन दे जिहड़ा बाजार आने लिए कहा है, तो नाल सोशल डिस्टेंस बना के रखने के नाल नाल लोगों को कहा कि पब्लिक प्लेस पर नहीं थुकना। जेकर लोग नियमों का नहीं पालन करते तो उन्होंने खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो इन नियमों लागू कराने लिए जो पुलिस वालों भी जो खास तौर पर गंभीरता लिया जा रहा है, तो रोजाना ही नाके लगा के जिहड़े लोग प्रोटोकॉल तोड़ते हैं उन्होंने खिलाफ आ जी कार्रवाई की जाती है। जिहड़ियां गड्डियां ने चेक कीतियां जांदियां ने, उन्हां दे विच जो लोग मास्क नहीं बैठे ने उन्हां नूं उन्हां दे खिलाफ आ जिहड़ा चलान भी किए जा रहे हैं। चेतावनी भी दित्ती जांदी है कि घट्टो घट्ट तुसीं जो सरकार दीआं हदायतां ने करोना वायरस तों बचाउण लई उहदा जिहड़ा पालन करो। वड्डी गल है कि नाकियां दे उत्ते हुण पुलिस दी इन्नी कु सख्ताई है कि इत्थे हुण जे कोई बरात दे विच शामिल नहीं जिहड़ा नियमां दा पालन करदा उहनां दे खिलाफ भी आ जिहड़ी आ कार्रवाई की जा रही है। साडे नाल मोहाली दे जोन नंबर 1 दे इंचार्ज ने नरेंद्र सूद जी। सू साहब, लगातार जिहड़े तुसीं नाके ला रहे हो, किस तरह की जिहड़ी आ कार्रवाई की जाती है, लोगों को कोई चेतावनी भी दित्ती जाती है? बिल्कुल जी, असीं जिहड़ा रेगूलर नाके ला रहे हैं, तो असीं मास्क भी उन्होंने चैक कर रहे हैं, तो बाकी उन्होंने अवेयर भी कर रहे हैं कि करोना वायरस तो डिस्टेंसिंग बारे भी समझा रहे हैं भी इनू जिहड़ी करोना महामारी है इनू आपां पंजाब चो बिल्कुल खत्म करना है। कुछ देर पहला तुसीं नाके दे उत्ते एक बरात नूं भी रोका गया, उन्होंने कोल की नियमां लंघन सी, उह की उन्होंने कोल मास्क नहीं पहने हुए सी? बिल्कुल जी, वो जिहड़ा मुंडा सी ब्याहुण वाला जिहड़ा दूल्हा सी कह सकदे, वो दूल्हे ने मास्क नहीं पहने सी, असीं उन्हां दा भी चलान कीता गा, असीं उन्हां दा भी चलान बरात भी सी मिनी बस दे विच, उन्हां नूं भी समझाया कि सोशल डिस्टेंस बना के बैठो। बिल्कुल जी, असीं जिहड़े बस दे विच सी, बस दे विच करीब 20 कु लोग है सी, उन्हां नूं भी असीं डिस्टेंसिंग बारे समझाया गा ते सारिआं नूं मास्क बारे। उन्हां ने पहला काफ़ी ज़्यादा तुहाडी रिक्वेस्ट भी कीती होऊ कि रहण दो कि नहीं जाण दो, क्यों तुसीं उन्हां नूं जाण नहीं दित्ता, कारण की सी? नहीं देखो, कानून हर एक वास्ते सेम है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इंप्लाइज है, चाहे सैलीब्रिटी है, भावें कोई पब्लिक मैन है, कानून हर एक वास्ते सेम है। असी हर एक नूं अवेयर कर रहे हैं, तो जेकर कोई नियमों की उलंघना करता तो असी उहदा जरा चलान कर रहे हैं। लोगों नूं खास को अपील करनी चाहो कि देखो भी जिहड़ा सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया उहदा पालन करो? बिल्कुल जी, असी देखो पंजाब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि साडे स्टेट दे विचों बिल्कुल तौर पर मुकम्मल तौर पर जिहड़ा है करोना वायरस खत्म हो जाए, तो साडा पुलिस डिपार्टमेंट खासकर जिहड़ा मोहाली जिला है, जिला एस एस नगर, साडे श्री कुलदीप चाहल जी SSP साहब, अपने श्री केसर सिंह जी SP ट्रैफिक साहब, तो गुरु इकबाल जी DSP ट्रैफिक साहब, इन्हां वालों सानू सख्त हदायतां कीतियां गईआं भी करोना वायरस नूं लैके, क्योंकि ये एक निजी एक बंदे का नहीं है, ये पूरे देश नूं देश का सवाल है, तो असीं इस करके असीं पूरी स्टेट नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿੰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੋ ਖੌਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।